फनी लाइफ होती है ना। क्या कहना चाहिए दोस्त, ये हमारी ग्रुप है, ये मेरे दोस्त ये बहुत अच्छे अरेंजर भी हैं, सिंगर भी हैं, और समझिए इनका सपोर्ट भी बहुत रहा, ये मेरे लिए हर वक्त खड़े रहते हैं समझिए, और मैंने इनके साथ ही वादा किया है कि हम लोग मिल के करेंगे जब नेक्स्ट फिल्म मेरा अरेंजमेंट हमारा यही कर रहे हैं ग्रुप में, क्लियर। और सिंगिंग तो मेरे साथ कर ही रहे हैं, तो समझिए ये ग्रुप हमारा जो है सदा रहेगा, कंप्लीट है, ठीक है। और इसे उठाना है बस एक ही इनका ध्येय है मेरे दोस्त का कि इनकी लड़की को उठाना, तो मैं जहाँ तक सपोर्ट करूँगा बिल्कुल मैं तैयार हूँ और करूँगा, क्योंकि हमें सबको लेके चलना है। बट क्या होता है कि एक ख्वाब होता है ना कि हर किसी के लिए, तो इन्हीं के सपने जो अधूरे रह गए उस सपने को इनकी लड़की में पूरा करना है, बस ये सपना है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आज रिकॉर्डिंग रहा और कैसे रिकॉर्डिंग करते वक्त कैसे लगे एक संगीतकार? मुझे तो गाना बहुत अच्छा है, अच्छा लगा उसका लिरिक्स और उसका कॉन्सेप्ट। तो मुझे पहले बोला था, मतलब जब बरसात स्टार्ट हुआ था तभी उनका फोन है, अभी बारिश वाला गाना आने वाला है, वैसे ही बारिश का ही सॉन्ग चाहिए था ना। तो वैसे हिसाब से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सोचा, उसके बाद सर ने बोला किस टाइप का उसका अरेंजमेंट होना चाहिए, उसे गाइड किया, तो उसी हिसाब से हम चलते गए। अभी आज रिकॉर्डिंग है, अच्छा बहुत अच्छा सिंगिंग भी करते हैं, इनको मैं गाना गवाने के लिए भी बुलाया था, बट थोड़ा गला में फिर भी बोला इनका सुनिए आवाज़ बहुत अच्छी है, दो लाइन गा दे। जो गाना मैंने आपसे गवाने वाला था उस गाने का दो लाइन सुना दीजिए। यारा दिल दारा गाई, अब मैं भूल गया क्या बात कर रहा हूँ, एक गाना है जो भी कर रहा हूँ, यारा दिल दारा तेरा ही सहारा, अब ना कोई किनारा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ, तू ही बता मेरे खुदा, यारा दिल दारा तेरा ही सहारा, अब ना कोई किनारा। बस तो अब समझ लीजिए कि अब कोई किनारा नहीं है, सिर्फ एक ही किनारा है, बस मंजिल तक पहुंचना है कैसे भी। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, ओके, हो गया ना।